हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में बाड़मेर जिले के अपराध को लेकर पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक लेकर अपराध की समीक्षा की, जिसमें अपराधों की समीक्षा करने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में आयोजित मीटिंग में एक्टिव पुलिसिंग, रात्रि गश्त व मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों से अपराधों व अन्य जानकारी लेते हुए पुलिस अधिकारियों को अपराध रोकने के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस विभाग को मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार काम करते हुए आम जन का विश्वास जीतना होगा व अपराधों पर अंकुश लगाना होगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए अपराध रोकने के साथ ही बाड़मेर जिले में बढ़ रहे लगातार सड़क हादसों को रोकने के लिए आम जन को जागरूक करने व वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले में सामूहिक आत्महत्याओं को रोकने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से काम करने व ग्रामीणों के सहयोग से अवसाद ग्रस्त लोगों की काउंसलिंग करवाने व पुलिस व जिला प्रशासन हेल्प डेस्क पर सूचना देने के निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग में बाड़मेर जिले के बालोतरा व बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्त अधिकारी, थाना अधिकारी, चौकी प्रभारी सहित SC ST व महिला सेल के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।